बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुर्शिद सखी लाल शाह बाज़ कलंदर के रोज़े के बिल्कुल सामने हैं। स्टील वाला आलम पाक है और जनूबी गेट है सखी लाल शाह बाज़ कलंदर के दरगाह का। गोल्डन गेट के सामने खड़े हुए हैं मुर्शिद सखी लाल शाह बाज़ कलंदर की दरबार में। हफ्ते का दिन है, इतवार की रात है और 30 अक्टूबर 2021 का दिन है। सखी लाल शाह बाज़ कलंदर के दरबार में अपने कलंदरी भाइयों के लिए दुआ करते हैं। मुर्शिद सखी लाल शाह बाज़ कलंदर के अकीदतमंद जो हमें दुआ के लिए कहते हैं और सलाम पेश करने के लिए कहते हैं, उनकी तरफ से सलाम पेश करते हैं मुर्शिद की दरबार में और दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला हमारे कलंदरी भाइयों को सखी लाल शाह बाज़ कलंदर की दुआओं से, तमाम परेशानियों से महफूज फरमाए, तमाम मुश्किलें, तमाम बीमारियाँ दूर हों। मुर्शिद सखी लाल शाह बाज़ कलंदर की निगाह करम हो, मुर्शिद के सदके तमाम बीमारियाँ परेशानियाँ मुश्किलें दूर हो जाएँ, ख़त्म हो जाएँ। अल्लाह ताला हमारे कलंदरी भाइयों को, बहनों को जो बीमार हैं उनको शिफा दे। सखी लाल शाह बाज़ कलंदर के सदके ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, रिज़्क़ हिलाल में बरकत हो। मुर्शिद की निगाह करम हमारे कलंदरी भाइयों और बहनों पर रहे। तमाम हमारे कलंदरी ख़ानदान सदा आबाद रहें, हरे भरे रहें, मुर्शिद की दुआओं से फलते फूलते रहें। सखी लाल शाह बाज़ कलंदर की दरबार में आते रहें, लंगर चलाते रहें और मन की मुरादें पाते रहें। अल्लाह आमीन। दरगाह के जनूबी सहन में ये सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, सोलर सिस्टम लगा हुआ है। इनमें से एक तरफ के यानी जो मशरक़ की तरफ के 3 लगे हुए हैं सोलर सिस्टम, वो काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो मगरबी हैं 3, वो बिल्कुल काम नहीं करते, शायद वो नाकारा बन चुके हैं या रिपेयर की ज़रूरत है। ये पाइपों में लगे हुए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे, लेकिन जो 3 हैं वो काम कर रहे हैं। ये जो बात है, मुझे बात बनता है, इतना वाला नारे।